यानी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 40 वर्ष के सामाजिक जीवन में मुझे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर किसी कोने में कोई हिंदू नजर नहीं आया है, अर्थात इस देश में कोई हिंदू नहीं है। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में अगर किसी को समाप्त करना है या किसी की विचारधारा को समाप्त करना है तो उसको अनुकरणीय से हटाकर पूजनीय बना दो। जिस दिन अनुकरणीय से हटाकर आप उसे पूजनीय बना देंगे, उस दिन वो पूजा पाठ में लिमट के सिपट के रह जाएगा। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध का जो आंदोलन है उसे समझने की हमारे देश में बहुत बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता इस दृष्टिकोण से है कि उनके आंदोलन को कुछ चंट चालाक लोगों ने उनके ही आंदोलन में प्रवेश पाकर उसकी दिशा को मोड़ने का काम कर दिया है। दिशा को मोड़ने का मतलब उनके आंदोलन को आध्यात्मिक आंदोलन बना दिया गया है। आध्यात्मिक का मतलब है सिर्फ पूजा पाठ का आंदोलन। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर किसी को समाप्त करना है या किसी की विचारधारा को समाप्त करना है तो उसको अनुकरणीय से हटाकर पूजनीय बना दो। जिस दिन अनुकरणीय से हटाकर आप उसे पूजनीय बना देंगे, उस दिन वो पूजा पाठ में लिमट के सिपट के रह जाएगा और उसकी विचारधारा सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही काम हमारे देश में कुछ लोगों ने भिक्खु संघ में प्रवेश पाकर, उसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि घुसपैठ करके उसको कमजोर करने का काम किया है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि तथागत गौतम बुद्ध का फिर आंदोलन क्या है? तो हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं, बड़े भरोसे के साथ कह सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का आंदोलन पूर्णत रूप से 100% सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस दृष्टिकोण पे अपनी बात इसलिए हम रख सकते हैं कि जिस समय वो प्रवज्ज हुए और उनको बोधि प्राप्त हुई, और बोधि प्राप्त, जैसे कि बौद्ध ज्ञान में उनको बोधि प्राप्त हुई, पूरी दुनिया कहती है कि तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, लेकिन प्रचार कभी इस बात का नहीं होता कि जो उनको बोधि प्राप्त हुई थी वो क्या थी। तथागत गौतम बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई बौद्ध ज्ञान में, वो थी कि इस दुनिया में ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग ईश्वर नाम का भूत खड़ा करके मजदूर लोगों को, शिल्पकार लोगों को, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बहुतात में आने वाले लोगों का शोषण करते हैं। तो बुद्ध ने क्या खोजा? बुद्ध ने ये खोजा कि ईश्वर नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है, मुट्ठी भर चालाक लोग ईश्वर का भूत पैदा करके तो बहुत बड़े समाज का शोषण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा समाज कौन सा है? अब प्रश्न ये खड़ा होता है, तो बहुत बड़ा समाज है जो मजदूर है, जो शिल्पकार है, जो किसान है, जो खेती करता है। तो उस समय जो व्यवस्था थी उनका शोषण करने की, उस व्यवस्था को कहा गया ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति थी, यानी ब्राह्मणों के द्वारा चलाए जाने वाला सांस्कृतिक आंदोलन, ब्राह्मणों के द्वारा चलाए जाने वाला सांस्कारिक आंदोलन, और ब्राह्मणों के द्वारा व्यवस्था देने वाला आंदोलन। तो बुद्ध ने इसको दो पार्ट में बांटा। बुद्ध ने दो पार्ट में बांटा कि एक ऐसे लोग हैं जो ईश्वर का नाम लेकर, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनका शोषण करते हैं, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो इनके शोषण के शिकार होते हैं। तो इनके शोषण के जो शिकार होते हैं वो कौन लोग हैं? तो तथागत गौतम बुद्ध इस नतीजे पर पहुंचे कि वो श्रमण लोग हैं, यानी श्रमिक लोग हैं, जो मजदूरी करके, मेहनत करके, ईमानदारी से अपना परिश्रम करके अपने परिवार का संचालन करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। दूसरा वर्ग ऐसा है जो छल कपट धोखे से डराकर उनका शोषण करता है और अपना पालन करता है। तो वहीं से दो संस्कृतियों का उदय हुआ। एक संस्कृति पहले से थी जिसको हम ब्राह्मण संस्कृति कह सकते हैं, और दूसरी संस्कृति वह थी जिसको हम श्रमण संस्कृति कह सकते हैं, जिस आंदोलन को तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में चलाने का काम किया।
और उसको स्पष्ट करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने एक नारा भी दिया, और वो नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानु कंपाय। मतलब उसको बड़ा क्लियर किया उन्होंने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानु कंपाय, अर्थात बहुजनों का सुख हो, बहुजनों का हित हो और लोक में जन्मे प्रत्येक प्राणी का भी कल्याण हो, ये बुद्ध की भाषा थी। तो सर इस तरह से ये आंदोलन चला, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी 1936 में लेबर पार्टी बनाकर इसको खड़ा करने की कोशिश की, और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने पूरे देश को बुद्ध धम्म की संस्कृति यानी श्रमण संस्कृति में हमको डुबोने का सरोवर करने का उन्होंने काम किया। तो ये छोटा सा मैंने इसको शॉर्टकट में कहा है। मैं हमारे जो भी पत्रकार साहब ने बात कही उनकी बहुत सारी बात से मैं सहमत हूँ, एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ जिसका पब्लिक नहीं कहा कि साहब ये नहीं कहना चाहिए, भारत न कभी हिंदुस्तान था न हिंदुस्तान है और न दुनिया की कोई ताकत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों में एक बूंद भी खून की जब तक रहेगी इस देश को कभी हिंदुस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। मैं 10 राज्यों में प्रभारी रहा हूँ आदरणीय बहन जी की कृपा से, 2 बार MLC रहा हूँ, 3 बार लाल बत्ती की गाड़ी में चलने का मौका मिला है। पूरे देश में मुझे आज तक एक हिंदू नहीं मिला, पूरे भारत में हिंदू नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं, हिंदू नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये मैं बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि जो हिंदू आंदोलन के सबसे बड़े ठेकेदार हैं मोहन भागवत जी, आज उनसे पूछिए कि आप कौन हैं, तो उनका उत्तर होगा ब्राह्मण हूँ। कौन से ब्राह्मण हूँ? तो शरांड्य हूँ या उपाध्याय हूँ या ये हूँ। आप राजनाथ जी से पूछिए आप कौन हैं, तो वो कहेंगे मैं क्षत्रिय हूँ। कौन से क्षत्रिय हो? जनार्दन हो, फौजदार हो, कौन से वाले हो, उनमें भी बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं। आप केजरीवाल साहब से ही पूछ लीजिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहा जाए आप कौन है, तो वो भी कहेंगे मैं वैश्य हूँ। कौन से वैश्य? अग्रवाल हो, गुप्ता हो, माहेश्वरी हो। इसी तरह से आप OBC के लोगों में चले जाइए, उनसे पूछिए आप कौन है, साहब हम OBC के हैं। OBC में कौन है? यादव हूँ, लोधी हूँ, कुशवाहा हूँ। शेड्यूल कास्ट में आ जाइए, शेड्यूल कास्ट में जब आप ये प्रश्न पूछेंगे वो कहेंगे मैं SC का हूँ। SC में कौन है? जाटव हूँ, महार हूँ, मेघवाल हूँ, अर्थात करके बताएंगे। इसी तरह से ST में बताएंगे। यानी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 40 वर्ष के सामाजिक जीवन में मुझे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर किसी कोने में कोई हिंदू नज़र नहीं आया है, अर्थात इस देश में कोई हिंदू नहीं है। तो हिंदू क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में हिंदू एक षड्यंत्र है इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर रूल करने का, उनका शोषण करने का। ये बात मैं आप स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरा, हिंदुस्तान, चूंकि मेरा समय अब खत्म हो रहा है और मैं अनुशासन व्यक्ति हूँ, संचालकों की व्यवस्था रहती है, एक बड़ा नारा लग रहा है जोर से, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मेरे प्रश्न हैं, देश का राष्ट्रपति हिंदू, और हिंदू नहीं, हिंदू पाठशाला का पढ़ा हुआ, उनका सम्मान में नहीं कह सकता, आप समझ लीजिए, उपराष्ट्रपति हिंदू, हिंदू पाठशाला का पढ़ा हुआ, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, हिंदू पाठशाला का पढ़ा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर हिंदू, भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, अर्थात सारे के सारे हिंदू, IAS हिंदू, IPS हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हिंदू, हाई कोर्ट के सारे जज हिंदू, कोई पुलिस स्टेशन नहीं देश में जिस पुलिस स्टेशन के अंदर हिंदू मंदिर ना हो, कोई सड़क नहीं, कोई चौराहा नहीं, कोई रोड नहीं जिस पे हिंदू मंदिर ना हो। कहने का मतलब यह है कि मंत्री से लेकर संतरी तक, संतरी से लेकर मंत्री तक, चपरासी से लेकर अधिकारी तक और अधिकारी से लेकर चपरासी तक, जब हर डाल पे हिंदू बैठा है तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? ये दुनिया के लोग सोचें या ना सोचें, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादों को सोचना पड़ेगा कि कौन सा हिंदुस्तान बनाना बाकी है, जिसके लिए बहुत सारे कोर्ट पत्रकार साहब ने किए। एक कार्यक्रम आगरा में हुआ RSS का, आज से लगभग 1 वर्ष पहले,
उसमें क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन अखबार में जो लाइनें छपी थी वो चार लाइनें मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। अखबार में छपा था मौन भागवत जी का भाषण, और उसमें कहा गया था, वैभव हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ही संघ का उद्देश्य है। वैभव संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना ही संघ का उद्देश्य है। इतना भर नहीं कहा गया, इससे आगे कहा गया, जिस दिन वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा उसी दिन संघ को भी विसर्जित कर दिया जाएगा, अर्थात आरएसएस को भी समाप्त कर दिया जाएगा। और एक नारा दिया गया, उसमें नारा था गाय गुरु ग्राम, गाय गुरु ग्राम, आगे नारा था उसे मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। इस व्यवस्था को लाना चाहते, ये कौन सी व्यवस्था है, आजादी से पहले यही व्यवस्था थी। एक गांव होता था, उस गांव में गुरु होता था, उस गुरु की गाय होती थी, और वो गुरु ही उस गांव का ईश्वर, भगवान, देवता, अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वही होता था। जो उसके मुंह से शब्द निकलता था उसी शब्द को मान्यता होती थी। और वो इतना चालाक था गुरु कि उसके कुकर्मों की तरफ, उसके कारनामों की तरफ अगर किसी की नज़र चली गई, अगर किसी के मन में उसके प्रति जरा भी आशंका उत्पन्न हो गई तो वो उसका सोशल इंतजाम कर देता था। क्या सोशल इंतजाम कर देता था, वो कहता था कि हमारे देश, हमारे गांव पर भयंकर प्रलय आने वाली है, ऐसी प्रलय आने वाली है, ऐसी बीमारी आने वाली है कि सारे के सारे लोग मर जाएंगे। तो लोग उस गुरु के पैर पकड़ के कहते थे कि गुरुजी कौन ऐसा कारण है, तो वो कहते थे ये जो राम सिंह है ना कुशवा, ये कैसा कारण है। वो उसका आलोचक होता था, गुरु का आलोचक होता था, कारण है इसके निक्षेत्र खराब है, इसकी कुंडली खराब है, और ये जब तक इस गांव में रहेगा इस गांव को कोई बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। दुर्भाग्य तब होता था जब उसके नाती बेटे अपने दादा परदादा को ही धक्के मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते थे। ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। आज बाबा साहब के परिणाम दिवस पर हम लोगों का संकल्प होना चाहिए कि एक बूंद भी खून की जब तक हमारे शरीर में है हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये संकल्प हो, यही हमारी श्रद्धांजलि है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।